अस्सलाम वालेकुम सेवन बॉयज़ एंड सेवन गर्ल्स। नाउ ऑपरेशन ऑन सेट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा मैथ का कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब पेज नंबर आपके पास है 18। ठीक है, पेज नंबर 18। और यहाँ पे हम सबसे पहले हमने लास्ट टाइम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था, अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द यूनिवर्सल सेट। फाइंड करना है यूनिवर्सल सेट इफ़ ए इज इक्वल टू, ये ए का पूरा सेट है एंड ए, इसके ऊपर देखें छोटा सा पावर लगी है 1 की तरह, और इसे मैं आपको बता चुका प्रीवियस क्वेश्चन में, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा सेट है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर आप लोगों को ए टू जेड आप लोगों को अल्फ़ाबेट दिए होते हैं और फिर उसका सेट होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, बुक वालों ने, ये ए कॉम्प्लीमेंट दिया है, इस वजह से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन होंगे आपके पास। ठीक है, हमने क्या करना है, और अब हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन करवाया है, इसी तरह आप लोग ने अपनी कॉपीज़ में लिखना है, डिफाइन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसकी यूनिवर्सल से निकला है हमारे पास यूनियन। यूनियन कहते हैं, यूनियन आपको पता है एक जैसी तरतीब देना। ठीक है, यूनियन यूनिवर्सल से यूनियन निकला है, यूनियन मतलब होता है तरतीब देना, सेम होते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में यूनिवर्सल लिखा हुआ है या यूनियन लिखा जाए, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों एक एक ही होता है। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। एक सेट कंटेन कर रहा है तमाम एलिमेंट्स कंसिडरेशन के अंदर, को क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 10 आपने कॉपी में इसी तरीके से लिखना है। फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़, ये पूरा उसी तरीके से आपको दिया हुआ है जो बुक में लिखा है। अब क्या करना है, हमने सोल्यूशन निकालना है, और फाइंड आपने क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। यूनियन यूनिवर्सल आपको पता है किसे बोलते हैं, यूनियन यूनिवर्सल कहते हैं यूनियन को। ठीक है, उन्होंने अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन खुद बनाना है, आपको वरना ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया होता था, लेकिन इसमें आप लोग ने क्या करना है, खुद ही बनाना है। ठीक है, यूनिवर्सल कह दिया यानी यूनियन हमने क्या करना है, दो सेट के मिड में हमने आपने क्या करना है, यूनियन का सिंबल लगाना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपको पता है क्या करना है, ए यहाँ पे हमारे पास था तो हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा, पूरा इसका सेट लिख दिया। यूनियन हमारे पास मिड में था, हमने लिखा था तो मिड में आ गई यूनियन ऐसी। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट का पूरा जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था सेट लिख दिया। अब मिड में देखें दो सेट वैसे ही बन गए जो प्रीवियस क्वेश्चन में गए थे, बीच में यूनिवर्सल सेट आ गया या यूनियन आ गया। हम जब भी हमारे मिड में हमारे पास दो सेट के दरमियान मिड में हमारे पास यूनियन आता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर और अल्फ़ाबेट है छोटे से हमेशा बड़े की तरफ हम वो सॉल्व करते हैं, तरतीब देते हैं। हमने इसी तरीके से ये लिखा है, इक्वल टू डाला, अब देखिए जीरो तो है ही नहीं, तो हमारे पास पहला नंबर क्या, वन, हमने वन लिखा, वन के बाद टू आता है लेकिन टू दोनों सेट में नहीं है, फिर टू से बड़ा क्या होता है, थ्री होता है, थ्री हमारे पास इस सेट में था, हमने थ्री लिख दिया, थ्री के बाद फोर आता है लेकिन ए में नहीं है, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में फोर था तो हमने फोर लिख दिया, फोर के बाद फाइव बड़ा होता है, फाइव जो है दोनों में ही आ रहे हैं, देखें दोनों सेट में आ रहे हैं तो हमने वन टाइम लिखना है ऐसे। फाइव के बाद क्या होता है, सिक्स इसमें नहीं आ रहा लेकिन इधर तो आ रहा है, हमने एक सिक्स यहाँ लिख दिया, सिक्स के बाद सेवन बड़ा होता है, सेवन हमारे पास दोनों में ही आ रहा है तो हमने वन टाइम लिख दिया। सेवन के बाद हमारे पास एट आ रहा है लेकिन एट हम यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। एट के बाद क्या होता है, नाइन बड़ा होता है, नाइन हमारे पास यहाँ आ रहा है, हमने नाइन लिख दिया। नाइन के बाद टेन होता है, टेन किसी में भी नहीं आ रहा, हम नहीं लिखेंगे। एलेवन भी आता है लेकिन एलेवन नहीं लिखेंगे। एलेवन से बड़ा क्या होता है, ट्वेल्व आता है जो हमारे पास लास्ट में आ रहा है, लास्ट बड़ा नंबर हमारे पास ट्वेल्व था, हमने ट्वेल्व पर वाइंड अप कर दिया, यही हमारे पास आंसर है।